अगले दिन मैं फाइनली निकल पड़ता हूँ श्रीनगर के लिए। अब देखो मुझे 4000 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, लेकिन फिर भी 30 किलोमीटर के लिए मैं ऑटो लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि सफर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को थकाना नहीं चाहता। खैर दिल्ली की ट्रैफिक को चीरते हुए फाइनली मैं पहुंचता हूँ अपने बस के पास, जो मुझे पहुंचाएगी जम्मू। मेरे साइकिल को छत पे लेटा दिया जाता है और मैं अमरजीत को बाय बाय बोलकर बस के अंदर लेट जाता हूँ। सच बताऊँ तो मुझे बस से सफर करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि जब बस रुकती है तो मुझे सुसु नहीं आती, लेकिन जब बस भागने लगती है तो मुझे जोरों की सुसु आती है, तब बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। खैर इस बेकार से सफर के बाद फाइनली मैं पहुंचता हूँ जम्मू। यहाँ के बाद मैं निकल पड़ता हूँ श्रीनगर के लिए। ये भाई जी जो मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं, जब मैं इनको अपने K2 के सफर के बारे में बताता हूँ तो ये काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये बताते हैं कि मेरा भी लाइफ में कुछ ऐसा करने का सपना था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया। आप बहुत लकी हो कि आप ये कर पा रहे हो। खैर रात को 7 बजे मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ श्रीनगर। ये सफर बहुत ही मुश्किल भरा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक इंसान को खुद पर भरोसा हो ना तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, और मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं ये सफर कंप्लीट करूंगा।